सवाल है कि इंसान तकवा कैसा कैसे पैदा करे। तरीका व नजात, यानी नजात के लिए ज़रूरी है कि आदमी के पास तकवा हो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जन्नत उन्हीं लोगों के लिए ज़िक्र की है जो मुत्तकी हैं। इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व उयून, या इसी तरह से दूसरी आयत है इन्नल मुत्तकीन मफाज़ा। क़ियामत में आखिरत में जन्नत और कामयाबी मुत्तकीन के लिए है, लिहाजा तकवा ज़रूरी है। तकवा कैसे पैदा किया जाए, इसके कई असबाब हैं। नंबर एक, तकवा अल्लाह की मारिफत से पैदा होता है। जब अल्लाह की अजमत इंसान के दिल में होगी, अल्लाह की बड़ाई होगी, तो जाहिर बात है कि अल्लाह की अजमत का नतीजा है कि आदमी अल्लाह से डरेगा। जब अल्लाह को पहचानता ही नहीं तो अल्लाह से डरेगा कैसे। नंबर दो, आखिरत का अजाब और आखिरत की पकड़ आदमी के दिल में हो, वहाँ का मामला आदमी जन्नत जहन्नम के मामलात को जानता हो, क़ियामत के दिन के अहवाल को आदमी जानता हो, तो उसके अंदर तकवा पैदा होगा। इसलिए कि जो आदमी, उसको मिसाल के तौर पर कोई आदमी, उसको मालूम है कि फलां बीमारी मुझको है, मुझको एलर्जी है, अगर मैं ये चीज़ खाऊंगा तो बदन पर धब्बे पड़ जाएंगे या नुकसान होगा या बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आदमी उस चीज़ से बचता है। शुगर वाला आदमी शक्कर से बचता है और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से बचते हैं। क्यों? जब मालूम होता है कि इसका नतीजा नुकसान क्या है। तो गुनाहों का नुकसान अगर आदमी को मालूम हो तो आदमी डरेगा और तकवा पैदा होगा, गुनाहों से रुकेगा। क्योंकि तकवा क्या है? अल्लाह से डर के अल्लाह की नाफरमानी से बचना, इसको तकवा कहते हैं। अल्लाह के खौफ की बुनियाद पर ऐसी चीज़ों से बचना जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है। इसी तरह से तकवा के लिए नफ्स को, नफ्स की तहजीब की भी ज़रूरत है, क्योंकि तकवा में सबसे बड़ी रुकावट इंसान का नफ्स है, वो बनने नहीं देता आदमी को मुत्तकी, गुनाहों की तरफ ले जाता है। तो नफ्स की, नफ्स के ख़िलाफ़ मुजाहदा करना, जैसे अल्लाह ताला ने रोज़े की बात बताई है, लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े के सिलसिले में अल्लाह ने कहा, तो रोज़ा आदमी को बचने की आदत डालता है। तो ये तकवा की अमली मश्क है रोज़ा। तो रोज़ा भी आदमी ऐसे अमाल करे जिससे आदमी के अंदर रुकने का मिजाज पैदा हो। भूख लगी लेकिन खाने से रुकना, प्यास लगी लेकिन पानी से रुकना, तो इस तरह से रुकने का मिजाज तकवा है। इसी तरह से नसीहत कई एतबार से, दीनी मजालिस में बैठना, इससे तकवा पैदा होगा। दीनी बात सुनकर आदमी के दिल में फिक्र पैदा होगी, अमल का जज्बा पैदा होगा, गुनाहों से बचने का आदमी मिजाज पैदा होगा। दीनी मजालिस, अच्छी सोहबत, इसी तरह से कुरान और सुन्नत का मुताला, कुरान को समझ कर पढ़ना, क्योंकि कुरान नसीहत है। अल्लाह ने फरमाया शिफा उल्लिमा फ़ी सुदूर, सीनों में बीमारियों का इलाज कुरान में है। कैसे? जब आदमी पढ़ेगा, उसको समझ के पढ़ेगा, वाज व नसीहत है, वो आदमी को सुधारता है कुरान। इसी तरह से तकवा के लिए ये भी ज़रूरी है कि आदमी अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह से दुआ करे, क्योंकि अल्लाह ताला से दुआ करने से आदमी को तकवा मिलता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा, ऐ अल्लाह मेरी नफ्स को उसका तकवा अदा कर। इसी तरह से नमाज का अहतमाम करना, नमाज में भी अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज अमली पाबंदी की एक शक्ल है कि मैं पाबंद हूँ। क़ियामत के दिन खड़े होने की अमली मश्क है, वो याद दहानी है। तो नमाज का अहतमाम भी आदमी को तकवा उसके अंदर पैदा करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आदमी इनका अहतमाम करे, तकवा उसमें पैदा होगा। इसी तरह से अल्लाह का ज़िक्र है, ज़िक्र से आदमी का दिल पाक होता है, और इसी तरह से शैतान से हिफाजत होती है।